फल की या मिठाई की? पापा तुम तो कहते हो लड़की की। लड़की की? हाँ दरअसल लाल जी मैं कह रहा था जिधर देखो लोग आपकी लड़की की ही तारीफ करते हैं, दुकान में मकान में बाबू, रास्ते में हाथ में बाबू, हाथ में बाट में बाबू, रेलगाड़ी में बैलगाड़ी में बाबू, हाँ बस में टैक्सी में बस का बाबू, हाँ बस का। खोटे लाल जी अब और शर्मिंदा ना कीजिए, बस आप मुंह मीठा कीजिए, मैं अभी लड़की को लेके आता हूँ। जिंदा चाहिए, जिंदा है बाबू। तुमको झूठ तो बोलते हो, क्यों हमने लड़की का नाम तक नहीं सुना? कभी मैं ये सब नहीं करता, तुझे फल ये मिठाइयाँ हमें मिलती क्या? छोड़ो बाबू। क्या तुम मेरे बाबू हो ना, पहले तुम खाओ। अभी वही तो करने जा रहा था, कभी खा बच्चा फिर अपनी तरफ कर दी। बाबू जल्दी जल्दी खा ना। तेरा बाप मुझे कैसे मालूम वो तेरा बहुत बड़ा साला है। बाबू चलता बाबू चलता फोन तरह कुंवारा ही रहूंगा। शाबाश बेटा, आज देश को तुम्हारे जैसे कुंवारे बेटों की जरूरत है जो बिना परिवार सुखी संसार में विश्वास। ये क्या माँ, तुम फिर टैक्सी भर रही हो? क्या करूं बेटा, तेरे बापू के समय की आदत है छुट्टी नहीं, और ऐसा लगता है जब तक ये टैक्सी दरवाजे में खड़ी रहेगी ये आदत भी नहीं छूटेगी। एक जवान बेटे के होते हुए माँ टैक्सी धोए, ये शोभा नहीं देता, लोग क्या कहेंगे? इसीलिए तो कहती हूँ ये टैक्सी किसी को चलाने के लिए दे दे और खुद कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ ले, पढ़े लिखे हो कहीं भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। कमाल है माँ, लोग अपना धंधा करने को तरसते हैं और तुम मुझे दूसरों की नौकरी करने को कहती हो। इसलिए कि मुझे ये धंधा पसंद नहीं, रोज तरह तरह के लोग मिलते मजे में, किस संबंध में क्या है, और इसी धंधे में तेरे बाप की जान गई थी। मैं नहीं चाहती कि तू भी। माँ धंधा कोई भी बुरा नहीं होता, हम ही इसे बुरा बनाते हैं, और फिर बापू की जान तो एक सवारी की इज्जत बचाते हुए गई थी। मुझे मालूम है तू अपने बापू की तरह मेरी नहीं मानेगा, लेकिन याद रख आज सोमवार है, शंकर जी के मंदिर जाके जरूर दर्शन करके आना। जाऊंगा माँ, जरूर जाऊंगा।
बुरे बुरे टैक्सी रोको 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 रोकिए थैंक यू भाई साहब मेरा नाम राकेश पांडे है और मेरे पिताजी का नाम तो भूल गया छोड़िए चकाला में रहता हूँ और ये मेरे होने वाली मेरा मतलब आप समझ गए होंगे हमें बिहार लेके जाना है अब आप बोलिए आपको कोई एतराज तो नहीं लेकिन भाई साहब आप ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हैं दरअसल बात ये है ड्राइवर साहब आजकल के टैक्सी ड्राइवर अपने पैसेंजर से इतने सारे सवाल करते हैं कि जाने वाला अपना ठिकाना भूल जाता है आप चलेंगे ना जी जरूर आइए अरे वाह वाह क्या बात है अपना काम बन गया चलो चलो बैठो चलो आप काफी दिलचस्प आदमी है साहब दिलचस्प हो दिल तो हम इनको दे चुके हैं कभी का अब तो सिर्फ चस्प ही चस्प रह गए हैं आप आगे चलते रहिए डार्लिंग तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा अंग अंग टूट चुका है और तुम तुम जब गुस्सा होती हो तो हिंदुस्तान की कसम इतने खूबसूरत लगती हो इतने खूबसूरत लगती हो कि पूछो मत हिंदी फिल्म का डायलॉग तुमने पूछा जी जी नहीं तो डार्लिंग आज शाम को हम दोनों पिक्चर देखने जाएंगे कौन सी ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड जादू रहा दोनों देख लीजिए बात एक ही है तुमने जरूर कुछ कहा है जी जी नहीं तो पकने दो मेरी एक बात मानोगी पहले हाँ कहो पहले पूछो पहले हाँ कहो पहले बात पूछो पिक्चर देखने के बाद मेरे साथ मेरे घर चलोगी खबरदार जाना नहीं वरना महिला आश्रम जाना पड़ेगा बाद में तुमने फिर जरूर कुछ कहा है जी जी कुछ नहीं पहले गाड़ी रोको लेकिन आप लोग तो बिहार में जाने वाले थे मैंने कहा गाड़ी रोको हमने कहा ना गाड़ी रोको अच्छा बाबा Thank you.
चलने वाले यह तेरी चाल नहीं रे शहर जरा तो जाने मन शहर जरा तो जाने मन वरना मुझे जेल हो जाएगी और मेरे सिवा मेरी मां की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए डॉक्टर साहब। राजू उसे कुछ नहीं हुआ है लेकिन तुम जरा चुप रहो। ये होश में क्यों नहीं आ रही? कहीं 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 मर राजू मारे मुझे चीफ को आए। प्लीज डॉक्टर स्टैनली तुम घर जाओ, मैं इसे बचा लूंगा। प्लीज मैं तो घर की तरफ आ रहा था मां, अचानक वो सड़क के बीच आ गई। वो तो बच जाएगी लेकिन एक बात का डर है, लड़की जवान है। अगर उसके घर वाले डॉक्टर उमेश की बात ना माने तो मुझे जेल हो जाएगी। कौन है वो लोग? मुझे इनके पास ले चल, मैं उनके हाथ जोड़ूंगी, पैर तकूंगी, मगर तुझे जेल नहीं जाने दूंगी। कौन है? जब तक लड़की होश में नहीं आती उनका पता नहीं लग सकता माँ। स्टडी करते करते कैसी है लड़की? वंडरफुल, एकदम ठीक हो गई है। इट इज जस्ट एन एक्सीडेंटल क्योर रीता, इट इज जस्ट एन एक्सीडेंटल क्योर। एक्सीडेंट? ओह यस। बहन क्या हुआ है? सारे साथ नर्स आई क्या? कब की आ गई? तो मुझे उसे कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन देनी है तो मैं बैठू में आता हूँ। अच्छा आइए। नमस्ते। नमस्ते। चाय पीनी है? जी नहीं शुक्रिया। लड़की कैसी है? भैया कहते हैं अभी ठीक है। होश आ गया उसे? हाँ राजू, उसे होश तो आ गया है लेकिन। लेकिन क्या? और नथिंग सीरियस, उस रात एक्सीडेंट में जोर की चोट लगने से। पागल हो गई है क्या? नहीं, ठीक हो गई। मतलब? वेरी सिंपल, एक्सीडेंट से पहले लड़की पागल थी जी। हाँ, यही कोई 10-12 साल पहले किसी हादसे की वजह से लड़की पागल हो गई थी, लेकिन तुमसे जो एक्सीडेंट हुआ उससे लड़की को फिर दोबारा इसी हिस्से में चोट लगी, जिसका नतीजा ये हुआ कि लड़की ठीक तो हो गई लेकिन। लेकिन क्या डॉक्टर साहब? लेकिन ये कि उसे सिर्फ 7-8 साल तक की उम्र की याद है और वो भी धुंधली याद। मगर इसका कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? इलाज है, उसकी देखभाल पूरे प्यार से होनी चाहिए। शरीर से तो 18-20 साल की लगती है लेकिन उसकी हरकत एक बच्चे की तरह है। वो आपसे कुछ कहेगी, मांगेगी, जिद करेगी लेकिन आपको उसकी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए ताकि उसके दिमाग पर कोई सोर ना पड़े। लेकिन अपने घर का पता बताया? ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही है। अपना नाम जानती है, बाप का नाम जानती है और माँ की भी याद है उसे। हर बीच में बड़े मजे में हंसती है, कितने अच्छे अच्छे आन है वो, और फिर बापू कहकर जोर से चीख पड़ती है और बेहोश जाती है। डर लगता है कहीं फिर से उसकी वार ना हो जाए। क्या नाम बताया उसने अपना? पुष्पा। हमें लाल परी नहीं चाहिए, को भूख लगी है, हमको रोटी चाहिए। मैं कैसे पीने से
माँ से कहूंगी बंद कर देगी, खुद मारेगी, खुद नहीं देगी, खुद नहीं देगी, खुद नहीं देगी। मुझे और तुम इसके लिए रोटी लेके आओ, गुड़ भी चाहिए। हाँ इसके लिए गुड़ भी लेके आना। देखो हमारी तरफ देखो, ये लाल पानी जो है ना बहुत मीठा है और मैं तो इसे हमेशा पीता हूँ। मैं पी लूँ? मैं न पीऊंगी। मैं पी तो तुम मुझे रोटी दोगे? हाँ जरूर देंगे, लेकिन पहले तुम इसे पी लो। शाबाश। हाँ दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, पी जा पी जा। अच्छा देखो तुम इसे पहचानती हो? यहाँ से ये हमारी गुड़ रोटी छीन के बांट जाता था। बड़ा चोर है, बड़ा चोर है, एक फर है। अच्छा हमें आम देता था, देगा ना? हाँ हाँ क्यों नहीं तो देना, बोलो ना ऐसे देता नहीं है, मेरे को दे। अरे हाँ हाँ बाबा देगा, ये देखो तुम्हारी गुड़ रोटी आ गई। वाह वाह रानी बेटी गुड़ रोटी खाएगी। हाँ खाओ खाओ, क्या बात, खालो खालो बेटे, क्या बात। आते आते रानी बेटी खाएगी, जल्दी से सो जाएगी। फोटो में तो अच्छी है, फोटो में सामने लाकर खड़ी कर दूं तो होश गायब हो जाए, चलती है तो भूचाल आ जाती है और रुकती है तो दिल की धड़कन भी रुक जाती है। क्यों बिल्कुल बिल्कुल लाजवाब है, बहुत लाजवाब। अच्छा हाँ पूरे दो महीने लगे प्यार में, पता नहीं प्यार में या और अपने धंधे में तो सुनू बात एक ही बन गया सब आपकी की चलनी है लेकिन मैं देखो उनने बात बिल्कुल फिक्र नहीं करना, बहुत मैंने पहले तक कर। अरे बड़े लाइन के बन गए तुम्हार, चलो मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई इंसान एक्सप्रीन बड़ी पैदा तो नहीं होता है, और तेरे पास तो बहुत निकल है, तू उसका कारण क्यों नहीं देती है? वो एक ऐसी कला है था जिससे रोटी का सहारा नहीं होता। आज आज डांस का मतलब है होटलों में नाचना, कैबरे करना, यानी लोगों के सामने नंगे बदन की नुमाइश करना, एक तरह से शरीर को बेचना। वो घूम से नहीं होगा, क्यों नहीं कर सकती? फिर ऐसा मौका दोबारा मिलेगा? 500 रुपया महीना, फिर दिल लगा के काम करेगी तो तरक्की तरक्की। बेटा तू करता तो ठीक है। हाँ मैं हीना तरीके से काम करा सकते हैं, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं मांगते। जब तुम जियो बेटा, मैं तुम्हारा आसान ये कभी नहीं भूल सकती। कैसी बातें कर रहे हो मौसी, ये तो मेरा फर्ज है। अच्छा चलो। अच्छा हीना के आते ही उसे मैं तेरे पास भेज रहा हूँ। देख रहे हो मामू जी? हाँ रंजीत ने बहुत बड़े होटल में कर ली नौकरी पक्की कर दी है। नौकरी 500 रुपया महीना मिलेगा, हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। माँ वो मैं होटल में नौकरी नहीं करूंगी। क्यों क्या ब्रांड है उसको? मैं मेरा डर क्या भी करते लोग आते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब अपना मन साफ हो तो कोई बाल बाका नहीं कर सकता। वो बिल्कुल ऐसे ही ना, मैं भी ऐसा ऐसी नौकरी दे सकती। हाँ जिसे काम शुरू कर दे या मेरा बच्चा। तुम पियोगी भी और नाचोगी भी, मैं ये मौका खो नहीं सकता। लाखों का धंधा हो सकता है, बॉस ने मुझे भारी रकम देने का वादा किया है। कम मतलब यह है कि तुम पैसे के खातिर अपने प्यार को भी बेच सकते हो। प्यार किस चिड़िया का नाम है, हमें तो सिर्फ एक ही चीज से प्यार है और है पैसा। सुना अगर मेहमान इंतजार नहीं कर रहे हो तो मैं इस थप्पड़ का जवाब जरूर देता हूँ।
खैर। ये कपड़े पहन लो, वरना। वरना क्या? मार डालोगे मुझे? मार डालो? मैं औरत चाहती हूँ, इतना गिरा तो नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हें कपड़े पहनाना चाहता हूँ और ये कपड़े तुम पहनोगे। औरत कपड़े उतारने से ही नंगी नहीं होती, औरत को तो नंगा तुम जैसे शैतान अपनी नजरों से करते हैं। आगे बढ़ा, उतारे मेरे कपड़े। ऐसा नहीं कहते, मैं तुम्हारे कपड़े उतारने नहीं पहनाने आया। वालेकुम शेख साहब। वालेकुम सलाम बड़े शेख। कहा शेख? कैसी गुजरी? तूफान, कयामत, हंगामा। तो सौदा पक्का? पक्का, खुदा कसम पक्का। कितने का माल पैक कर दूं? इस बार ऑर्डर बहुत बड़ा है शेख, पूरा कर सकोगे? क्या बात करते हो शेख, हिंदुस्तान के सभी जंगलों में मेरी पहुंच है, एक से एक खतरनाक सांप मेरे पास है। मगर माल बड़ा हाई क्लास होना मांगता, जैसा हम आज तक आजमाया। डोंट वरी शेख, ये देखा, सबसे जहरीले सांप का जहर अपने पास होता है। तो फिर 10 लाख का माल भेज दो से। 10 लाख? 10 लाख का माल भेज दो से, डिलीवरी पर कैश देगा, और ये रहा एडवांस पेशगी, 1 लाख। 1 लाख? रोना धोना बंद करो डार्लिंग। मैं तुम्हें को क्या मुझे दिखाऊंगी? तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा रंजीत, कहीं का नहीं रखा। तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा, तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा।
शांति शांति शांति, सब ठीक हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ी झिझक होती है। मैं क्या करूं? मैं क्या अपनी माँ को दिखाऊंगी? क्या करूंगी? कुछ नहीं कहोगे पगली, सब बातें सभी से थोड़ी कही जाती है। तुम बहुत समझदार हो, इसी दिन अपना साथ देते रहोगे तो मैं तुम्हें हर वक्त अपने साथ रखूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। लो हाँ रख लो। हाँ गुड गर्ल। इतने सारे रुपए कहाँ से मिले? मुझे नौकरी मिल गई है माँ। रंजीत की सिफारिश काम आ गई? हाँ माँ, रंजीत ने ही मुझे ये नौकरी दिलवाई है। अगर अगर ये ना होते तो आज मुझे ये नौकरी नहीं मिलती। रंजीत बेटा, तुमने इस बुढ़िया पर बहुत एहसान किया है, भगवान तुम्हें सुखी रखा। कैसी बातें करती है मौसी, मैंने तो अपना और ज्यादा किया है। हम चलें? हाँ माँ, मुझे भी रंजीत के साथ जाना है क्योंकि इसको अपना फर्ज अदा करना है। अरे आज तो कैसी बाकी बाकी बातें कर रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ माँ क्योंकि क्योंकि मुझे नौकरी मिल गई है। बहुत जल्द ठीक हो जाओगी, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। और ये सब रंजीत की वजह से तो है। क्यों रंजीत? दीदी आई, दीदी आई, दीदी आई। कैसा है रे? ठीक हूँ दीदी। ठीक हूँ, तुम घर का ख्याल रखना और माँ को ठीक टाइम से दवा खिला देना क्योंकि मैं काम करने लगी हूँ ना, मुझे बहुत सारे लोगों का ख्याल रखना पड़ता है। दीदी तुम कौन सा ऐसा काम करती हो कि दो दो दिन घर ही नहीं आती? बहुत अच्छा काम, ऐसा काम किस्मत वालियों को मिलता है रे। क्यों रंजीत, आप बोलते क्यों नहीं? ऐसी नौकरी, ऐसी नौकरी तो किस्मत वालों को मिलती है ना। बोलो क्या क्यों नहीं देते? क्या क्यों नहीं देते? अभी तक सोई हुई है। चलिए बाबा सुबह हो गई, चाय पिए। हीना, हीना क्या बात? इसे देखो मुझे क्या हो गया। हीना ने कही है भैया कल बहुत रात गई आई थी, अजीब उल्टी सीधी बातें कर रही थी, मैंने इसे घर ले जाने दिया, कहीं मत करना बैठे। जब इसे गर्म पानी नमक ले आओ, इसे नींद की गोलियां खा। अब क्या होगा? चल जल्दी करो रीता। तो देखिए मेरे गुरु को देखिए, मेरे जमुरा को देखिए। हाँ तो साहिबान, आपके अड़ोस में पड़ोस में या रिश्तेदारों में किसी को लकवा, अधरंग, सूखा या पोलियो की बीमारी है तो इस दवा को ले जाइए। हफ्ता भर के इस्तेमाल से मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो जमुरा बोल बेटा, इस मजमे में सबसे दुखी कौन? एक औरत। कौन सी औरत? देश की बुढ़िया। क्या तकलीफ? तकलीफ बुढ़िया को नहीं बल्कि उसकी बिटिया को है। क्या तकलीफ है? दाएं पांव में लकवा। भाई मेरे बच्चे के दाएं पांव में लकवा मार गया है, वो चलती नहीं सकती। क्या तुम्हारी बड़ा चलती सकेगी? दौड़ने लगेगी और तेरे पकड़े में भी तेरे हाथ नहीं आएगी। लेकिन दवा जरा महंगी है, एक शीशी की कीमत 20 रुपया, और तूने जो रोग बताया है उसके लिए कम से कम 5 शीशियां तो लगेंगी ही, यानी 100 रुपए। मेरे पास इतने रुपए नहीं है, ये सोने की चूड़ियां ले लो। माँ रुक जाए। अब अच्छा नहीं नहीं, ये झूठ है, धोखा है। मारा वापस करो, ये दवाई नहीं बल्कि रंगदार पानी है। क्या?
क्या कर रही हूँ। सर आते जाते लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? यही समझेंगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यार। समा माथे की सिंदूर से प्यार कर रहे हैं ज्यादा कहना होता है। और फिर तुमने जेपी शर्मा से नहीं बल्कि उसकी अमेरी से शादी की है। प्यार तो तुम मुझे से करती हो, है ना? हम ये मिलते नहीं, मैं अपना प्यार लेकर किसका दरवाजा खटखटा हूँ? मेरे होते हुए दूसरे का दरवाजा खटखटने की क्या जरूरत है डार्लिंग? और तुम तो जानती हो खाली प्यार से किसी का पेट कभी भरता नहीं, ऐसे और चाहिए। हर महीने में जो तुम्हें इतना सारा रुपया ला कर देती हूँ वो तो यूँ खर्च हो जाता है। अरे जाना बाबा जा, क्यों कबाब में हड्डी बनते हो? मुझे तो डर लगने लगा। क्या डरने की क्या बात है डालेंगे इसमें? जयराम जी, कौन है तुम? कौन हो? जमुरा। जमुरा? नहीं समझे, अभी समझाता हूँ। जमुरा यानी के जोकर, वो सर्कस में लोगों को हंसा के दिल बहलाता है उसे जोकर कहते हैं। मैं फुटपाथ पे लोगों को हंसा के उनका दिल बहलाता हूँ, मुझे जमुरा कहते हैं। वो जूते ना जूते, उनसे बचने के लिए। जूते? नहीं समझे, मैंने सब सच बता दिया और जो पब्लिक को पता लगा वो पब्लिक ने मेरी धुलाई करना शुरू कर दी। तूने सच बोल दिया और पब्लिक भी तेरी धुलाई कर दी, क्या बकता दे? आप ये भी नहीं समझे साहब, दरअसल मैंने एक नए भागीदार के साथ धंधा शुरू किया लेकिन वो साला पब्लिक से चीटिंग करता था, अपने को जमा नहीं, अपुन ने उठा के उसका सब भाला फोड़ दिया। पब्लिक ने फिर से मेरी धुलाई करनी शुरू की, मैं जो भागा था सामने आपकी गाड़ी कर रही, मैं आपके डिक्के में घुस गया। पूरा दिलचस्प है। अरे मैम साहब, वो तो सब चांस मिलने पर होता है। पहलवान तो ज्यादा पहलवान साहब, सुना है राजेश खन्ना फिल्म लाइन छोड़ रहा है, कहीं आपकी चलती है तो मेरे को भी चिपका देना, देखना फिर आप भी छाती ठोक के बोलेंगे कि छोकरे को फिल्म लाइन में मैंने लाया है। डार्लिंग ये काफी स्मार्ट है, इसे अपने होटल में रख लेना। ओके डार्लिंग, तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर। हेलो जमोरे, इस पते पे आ जाना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। कम ऑन डार्लिंग। ओ थैंक यू वेरी मच सर, भगवान आपको एक दर्जन बच्चे साथ सिर्फ दो या तीन दे, वरना सरकार मुझे अंदर कर देगी, बोलेगी फैमिली प्लानिंग के खिलाफ दुआ देता है। साहब कितना पुराना मौसम है, सामने मेरा घर भी है, आप मैं जाके वहां पर मुझको नौकरी मिल रही है। अरे उस्ताद सूरज सर पे चढ़ गया, दम मारने का टाइम हो गया, उठो आज फिर इंपोर्टेड माल लाया हूँ। अबे ऐसा बोल, अगर माँ ने सुन लिया तो मार मार के मेरे साथ तेरा भी दम निकाल देगी। अरे उस्ताद जब मौसी बाहर तो जमुरा अंदर। इधर भाई ए। अरे अरे उस्ताद इसका तो थोकड़ा बैल होगा अब। अरे चल देखो उस्ताद, मुना मेरी शत्रुघ्न सिन्हा, माचिस निकालो। नीचे है बे। अब एक के नीचे है। शाबाश। अरे उस्ताद 30 पैसे की सिगरेट बहुत महंगी है। उस्ताद मजा आ गया, 30 पैसे वसूल हो गए। 2-3 दम अंदर करो फिर बाथरूम के अंदर जाना, पी लो। लाजवाब सिगरेट है यार, मजा आ गया ना। चलो इसी बात पे 2 रुपए निकालो, आज मेरे को इंटरव्यू पे जाना। इंटरव्यू पे कहाँ? उस्ताद इसकी दया से काम हो जाए ना, बस फिर तो मैं आपको फुकट की सिगरेट पिलाऊंगा। ये देखो राजू। अरे मर गया यार पापड़ वाले। अरे सिगरेट हो, चलो मुझे छुपा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरा आना बंद हो गया। राजू जल्दी से अस्पताल जाना है। अरे क्या कर रहे हैं? ओ माँ जी, भैया की तबियत ठीक नहीं थी इसलिए देखने चला मैं। इसे क्या हुआ? इसे तो कुछ नहीं हुआ। वो आप बोल रही ना, वो हुआ अस्पताल जाना ना। हाँ हाँ ये ठीक है।
कुछ गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ गड़बड़ चल रही यार, उधर से पता कैसे हुआ यार, कौन दिख रहा है? ये सिगरेट की बू कहां से आ रही है? मैंने सिगरेट नहीं दिया, मैं मैंने बोला हुआ, मैं कभी पीता नहीं और आपके नहीं पीता हूं, मैं तो छूता ही नहीं। वाह याद है मौजी, मौजी क्या है कि बाजू में तबेला है, तबेला उसने कुछ चर्ची गले रहता है, धुएं की बात आ रही, धुएं ये ठीक कहता है। हां हां मौजी, मैं तो पीता नहीं, आज मैंने सेंट लगाया। और मैं चाहो तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकता हूँ ना। लेकिन डॉक्टर जिस लड़के की इज्जत आप लोग गई, किसी को दिखाने के काबिल ना, लड़की जी कैसे क्या करे? ये क्या कह रही है? इससे ज्यादा कुछ करना हमसे लगता है काली बताना। लेकिन हिना, आत्महत्या करने का मतलब है बुराइयों से हार मान जाना, उन्हें बढ़ावा देना। हिना, आज तुम जिनका शिकार हुई हो, कल कोई और अबला होगी। क्या तुम चाहती हो कि सिलसिला इसी तरह चलता रहे? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी जिन्होंने मुझ पर अत्याचार किया है। मैं उनका नाम और निशान मिटा दूंगी, चाहे मुझे बड़ी से बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। नहीं रंजीत, मैं अपना तो हेलो हीना, हाय व्हाट अ सरप्राइज। मैंने तो सोचा था कि रंजीत तुमने मुझे यहाँ देखकर अचंभा हुआ ना, आखिर तुमने तो मुझे ये मैसेज दिया था। अच्छा बाबू, मैंने एक फैसला किया है, शाम को मिलता। अब बताओ क्या बात है? अशोक बाबू, आप मुझे अपने साथ ही रखिए, क्योंकि क्योंकि आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं। कैसी बातें करते हो? सुना डार्लिंग, मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपना बना दिया था जिस दिन मैंने तुम्हें पहले बार देखा था। अशोक बाबू, अब तो हम साथ ही रहेंगे, फिर बार मौका मिलेगा। लड़की को अपने साथ ले जाओ, हो सकता है उसकी सूरत देखकर इसे कोई पहचान ले, या बस्ती देखकर इसे अपना घर याद आ जाए। क्यों, ठीक है ना? हाँ मेरे साथ। खिलौना से खेल रही है? हाँ। अब देखो, खेलना बंद करो और जल्दी से तैयार हो जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे। माँ के पास? हाँ। माँ के पास? हाँ। मेरी माँ किधर है? मैं अपनी माँ के पास जाऊंगी, माँ के पास जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम इनके साथ जाओ, ये तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाएंगे। अपनी माँ के पास जाऊंगी। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ जाओ, जाओ माँ के पास जाओ। हाँ माँ के पास जाऊंगी, माँ के पास जाऊंगी। हाँ जाओ जाओ। अरे मैं खिलौना ले लो। अरे तुम्हारा ही है, जरूर ले जाओ। मैं माँ के पास जाऊंगी। हाँ जाओ जरूर। हाँ चलो। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? शुक्रिया अदा करो इन भाई साहब का जो इसे सही सलामत यहाँ ले आए हो। यकीन मानिए मेरा कोई कसूर नहीं, रात के अंधेरे में ना जानिए कैसे सड़क के बीच आ गई और मेरी टैक्सी से टकरा गई। ओ आपको बहुत परेशानी है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। बात नहीं साहब, आप तो जानते ही हैं बचपन में चोट लगने से ये पागल हो गई थी। मैं सब कुछ जानता हूँ जी, मगर उसी जगह दोबारा चोट लगने से इसका पागलपन दूर हो गया। लेकिन याद सिर्फ बचपन की रह गई है। अभी बचपन की याद लौट आई है तो जवानी की भी आ जाएगी।
कमाल की बात तो ये है कि इसका इलाज करवाने लाया था मैं और आपने उसे एक ही झटके में ठीक कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ये लगती क्या आपकी? और देखो तो सब कुछ, दरअसल बात ये है कि हम दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इस बार जब मैं गांव गया तो इसकी बुढ़िया माँ ने मुझसे रोकर कहा कि मैं पैदा करवा दू, जवान हो गई है, दुनिया में अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मुझे बेचारी से बहुत रहम आया और मैं इसे इलाज करवाने के लिए अपने साथ ले आया। अब आप ही बताइए कि मैं इसका क्या रखता हूँ। अच्छा तो मैं चलूँ? हाँ मैं तेरे साथ जाऊंगी। तुम मेरे साथ कैसे चलोगी? अब तुम्हें तुम्हारे मामा मिल गए हैं, ये तुम्हें तुम्हारी माँ के पास मिल गए हैं, अब कोई डरने की बात नहीं। बिल्कुल डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगा और आज तुम्हें लड्डू पेड़े बर्फी सब कुछ खिलाऊंगा। चलो तो चलो। हाँ चलो।
अच्छा लेकिन तुम इस वक्त पैदल कहाँ जा रही थी? मैं अपने ससुराल जा रही थी। ससुराल अपने दूल्हा के पास? हाँ। अरे पर वहाँ से डोली में जाते हैं, मोटर में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। तू चल मेरे साथ, मैं तेरे को वहाँ छोड़ दूंगा। तो मेरे को ससुराल छोड़ दूंगा? छोड़ूंगा तो तू छोड़ देना। तुम्हें तो ऐसी सलाह मिलनी चाहिए कि देखने वाला कभी ऐसे हरकत करने की जुर्रत ना करे। हवलदार ले जाओ इसे। हजूर मैं बस बात बताऊंगा। छेड़ा ले जाओ इसे। राजू तुमने इस भोली भाई लड़की को एक खतरनाक आदमी के हाथ से बचाया। इंस्पेक्टर साहब ये तो मेरा फर्ज था। बाय द वे ये लड़की लगती क्या तुम्हारी? जी ये मैं इसकी पुष्पा लगती हूँ। व्हाट? इंस्पेक्टर साहब इसका मतलब है इसका नाम पुष्पा है। पुष्पा है? ओह आई सी। ओ आई सी। अच्छा इंस्पेक्टर साहब हम चलते हैं। श्योर श्योर। मुझे एक साड़ी चाहिए। आप पैसे मैंने से जाइए। थैंक यू। इट्स अ राइट वेलकम। तुम गुड़िया ये भी चाहिए। अरे क्या करेंगे भाई, अरे वो सब खराब हो गया क्या? अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नीचे उतरो ना, नीचे उतरो। आ जाता हूँ। चलो लाओ ये लाओ। जाओ कौन समझा? वो दिखाइए, वो दिखाइए, ऊपर वाली, ऊपर वाली। चलो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊँ। नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ बाहर चलो। मुझे बुलाना ये चाहिए होगा। आए तुम बाहर चलो। ये चाहिए। चलो तेरी माँ के पास ले जाऊंगा। अच्छा तो जल्दी से मिला दे। हाँ नहीं 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 अभी नहीं, पहले मैं आम छिपा लूँ। माँ ये है वो पुष्पा जिसका एक्सीडेंट हुआ था। वो तो मैं समझ सही बेटा।
मगर ये बच्चे? वो मुझे ही बच्चे समझती है, शायद उससे बचपन का कोई साथी होगा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन जवान लड़की को कोई इस तरह घर पे लाता है क्या? कहीं मोहल्ले वाले देख लेते तो क्या कहते? तुम्हें कैसे समझाऊं माँ, मजबूरन उसे इसी हालत में लाना पड़ा। खैर वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले तो नहलाओ, कपड़े पहनाओ और ये रहे नहीं साड़ी। चल मुझे नहीं लाते। अरे चल मैं नहलाती, नहा दो के कपड़े बदल ले। नहीं नहीं मैं तो यही कपड़े पहनूंगी। देख बेटी लोगों के सामने इन कपड़ों में नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए कि ये कोट मेरा है और इसे पहनकर मुझे काम पर जाना है। बड़ा आया मेरा कोट, ये रख तेरा कोट। अरे अरे ये क्या कर रही? चल बाथरूम में चल, नहाने चल। तो अभी मेरा साथ नहाएगी ना? हाँ नहाऊंगी चल। नत्तू माँ का निला दिया, आप तुझे भी निला दी। देख बेटी रोज बालों में कंघी करते हैं और चूची बना के रखते हैं। क्यों? इसलिए कि बाल सवालने से लड़कियाँ सुंदर दिखती हैं। लड़कियाँ सुंदर दिखती? अरे बत्तू, अरे पगली, वो तो लड़का है, लड़कों को इतना सवालने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन माँ लड़कियाँ लड़कियाँ अलग तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए भगवान लड़कों को एक तरह से बनाते हैं और लड़कियों को दूसरी तरह से। इतनी बड़ी हो गई और इतना भी नहीं मालूम कि बच्चे कैसे बनते हैं। भगवान थोड़ी बनाते हैं बच्चों को, मुझे मालूम है बच्चे कैसे बनते हैं। मैं बताऊं पहले तो? मैं बताऊं बच्चे कैसे? रहने दे। क्यों रहने दे? माँ कहती है जब कोठी में ज्यादा देर भूसा रह जाता है ना तो अपने आप बच्चे निकल के आते हैं। जैसे सर साथ में मैडम टैटर करके मिट्टी से निकल आते हैं। अबे तुम तक है टेबल मालक। अच्छा भाई गुड मॉर्निंग है भैया। बेटा जमो रहे, इधर आ जरा। इधर आओ। हाँ आता हूँ। बाहर होने जा रहा था मैं। क्या उम्र है तुम्हारी? उम्र पकड़ नहीं। स्वीट 16। बेटा स्वीट 16 दारू के साथ अच्छा नहीं लगता। अच्छा अच्छा तुम्हारी क्या उम्र है? 50 साल। 50 साल? अच्छा अच्छा तुम इतने बड़े हो गए शराब पीते हुए शर्म नहीं आती? बैठ गए लेक्चर देने, कोई मेरा नहीं सुबह से। 50 साल का हो गया बुढ़े शराब पीता है, ऊपर से मेरे को लेक्चर देता है। पतिया तुम्हें क्या है? ध्यान में रखना शाम को फिर पहुंचूंगा चाचा। हाँ बीबी तो कहती थी मगर जमुना भी सच कहता है। शरणदास को पीने की आदत ना होती तो बेटे के हाथों बापों की खातिर ये दारू ना आती। लीजिए पिताजी। लाया बेटा इतनी देर लगा दी, वही माँ लावा इतनी गले में जाके अटक जाएगी। इतनी गले में अटक जाएगी? हाँ खड़े होना। क्यों? अरे मैंने कह दिया ना खड़े हो जाओ। बात क्या है कुछ बता दी तो सही। मैंने कह दिया तुम खड़े हो जाओ बस। ले लाना हो खतरना खतको। हाँ देखा देखा खोखली हो गई। खोखली किसी वक्त भी धोखा दे सकती है और तुम्हारी भी हालत कुछ इस कुर्सी से कम नहीं है। दारू पीती के तुम्हारा दिल भी खोखला हो गया, किसी वक्त भी धोखा दे। लिटिल भाई बंद कर, चल रहा बाहर जाओ। हाँ बाहर जाओ, चल रहा। चले जाता मेरे बाप का। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, जा बाहर जाके झंडे को लिखे। झंडा वो तो खरीदना पड़ेगा, जाता हूँ।
देख लो। अरे उस्ताद उठ जाओ, सुबह के 9:15 बज गए हैं। मासी पूजा करने गई है, जल्दी उठ जाओ, लाइन क्लियर है। अरे आज जो मैं माल लाया हूँ, हाँ हाँ हाँ, इम्पोर्टेड माल है, तुम लगाते ही खोपड़ी घूम जाएगी, हिप्पी बन जाओगे। उठ जाओ। निकल नी। अरे इसके हाथ आने में तो पावली कम हो गई। अरे कभी देखी आज तक इतनी लंबी चौड़ी सिगरेट उस्ताद, इसी साली के आधा ने दिया है, अब इसके तुम मजे लेना है। जल्दी जल्दी दम लगा लो, कहीं मासी आ गई तो मेरी धुलाई हो जाएगी और आड़ू की चटनी हो जाएगी। अरे कौन है आप? अरे बाप रे, तो आम से आती है। आप कौन है? तू कौन है? अरे तू कौन है? तू कौन है? अरे तू कौन है? क्यों रे? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? बोलता क्यों नहीं? बोलता क्यों नहीं? शैतान, तूने फिर सिगरेट पिया? वो माजू, मैंने सिगरेट नहीं पिया। इसने सिगरेट पिया, मैंने सिगरेट पिया, हम दोनों ने सिगरेट पिया। हैरान होते, मैं जल से भाग कर नहीं, पूरी
सजा काट कर आ रहा हूँ। अब क्या चाहते हो? बदला। लेकिन लेकिन वकील कुछ नहीं। घर स्टार्ट करो। कहाँ ले जाना चाहते हो मुझे? उसी के पास जिसकी पूजा करके तुम आ रहे हो। चलो स्टार्ट करो। दोनों तरफ लो। गाड़ी तो बहुत अच्छी चलाते हैं। गाड़ी इतनी तेज मत चलाओ। सुना ही क्या? बोलो ना, इतनी तेज मत चलाओ। झाड़ू लगाते हैं ये देख, ऐसे पकड़ के ना, इस तरह से, समझी? Thank you.
पूछपा 2-3 दिन की मेहमान है हमारी, जब उसकी माँ आएगी तो उसे ले जाएगी। क्या? हाँ मारा, ये देखो उसके अखबार में ये तस्वीर छपी है, जब उसकी माँ देखेगी। लेकिन उसकी माँ को मैं क्या जवाब दूंगी, कहाँ से लाऊंगी उसकी लड़की को? क्यों क्या हुआ माँ? आज मैं उसे बहुत मारा, वो घर छोड़कर चली गई है। चली गई? पुष्पा ये क्या कर रही है? मैं सो रही हूँ, देखनी है सो रही हूँ, पूछ रही क्या कर रही है। अरे ये भी कोई सोने की जगह? ये सोने की जगह नहीं है, मैं सो रही हूँ। अरे पुष्पा क्या हो गया तुझे? चल नहीं जाऊंगी। क्यों? वो बुद्धि है ना, उनने मेरे को मारा। मौसी ने मारा? पर मैंने उसको नहीं मारा। सच्ची? बहुत अच्छा किया। अब तू मेरे साथ घर चल, मौसी तुझे कुछ नहीं करेगी। तू मेरे साथ रहेगा ना? मैं तेरे साथ कैसे रह सकता हूँ, मुझे काम पे जाना है। मैं भी तेरे साथ काम पे जाऊंगी। पुष्पा तू मेरे साथ नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तेरे साथ नहीं जा सकती, कमी दस सो सकती। अरे पुष्पा तू इधर नहीं सो सकती, काम भी जा सकती। सकती है? सकती है। कौन है तू? पुष्पा। पुष्पा ये मेरी बड़ी बहन। नमस्ते। नमस्ते। ए तेरे को तो मुंह काला करने को भी नहीं आता, ला मैं तेरा मुंह काला कर दूंगी। ए मुंह काला करी हो ना? क्या? आप इसकी बात का बुरा मत मानिएगा, बचपन में थोड़ी सी। अच्छा अच्छा जी। अरे इधर इधर बैठ इधर, आप इसका जरा ख्याल रखिएगा, मैं भी आता हूँ। हाँ। नहीं आते। हाँ। थोड़ी देर और आप इसका ख्याल रखिए, मैं भी आगे गया। थैंक यू। अच्छा अच्छा अब तुम अपना थोड़ा सा ख्याल रखो, मैं अभी आती हूँ। अरे मेरे कपड़े। Thank you.
मारा तुम्हारे बाबू को? बाबू को? बाबू को किसी ने मारा। किसने मारा तुम्हारे बाबू को? वो हाँ हाँ बोलो, कौन था वो? मैं नहीं जानती। नहीं जानती? नहीं। लेकिन तुमने कैसे देखा उसे? कहाँ थी तुम? मैं पैर से आम तोड़ रही थी, मैंने देखा वो आदमी सेठानी के साथ उसके कमरे में था। मेरे बापू बंगले की ओर जा रहे थे, वो आदमी कमरे से बाहर निकला और इतना बड़ा छुरा मेरे बापू के पेट में घोंप दिया। तुम शंकर दयाल की लड़की हो बेटी, लेकिन तुम कौन हो और इसे कैसे जानते हो? मैं यहाँ का माली हूँ बाबू, इसे तो मैंने अपने गोद में किया है, इतनी सीखी है लेकिन बेचारी। हाँ हाँ ठीक हो गई है। काश उस दिन ये पेड़ पे से गिर के पागल न हुई होती तो इसके बाप का कातिल आज जेल में होता, न जाने कहाँ है बाप। तुम उसे जानते हो? उसे तो सिर्फ यही जानती है क्योंकि यही अपने बाप के खून की चश्मे बीत गवाह है। हमारी सैतानी के साथ उस आदमी के नाजायज ताल्लुकात थे और इसके बाप ने मेरा ये हाथों पकड़ लिया था। इसका मतलब है वो कातिल उसका साथी था और तुम्हारा ख्याल ठीक है राजू, ऐसी उल्टा पापन को सजा मिलनी ही चाहिए बाबू। जरूर मिलेगी। कहाँ रहती है वो? बम्बई में। बम्बई? हेलो, यस, बोल रही हूँ। ए, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, जरा गले में लटक गई। मेरा मतलब है गले में अटक गई। कहो काम हुआ? वो अभी घर पर ही है, तुम बाद में फोन करना। हाँ देखो ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, तुम उन्हें बहलाओ फुसलाओ और किसी भी तरह अपने माल पे कब्जा करो। समझी? आज मैं जरा इधर बिजी हूँ, बिजी। कल मुलाकात होगी, प्यार भरी मुलाकात। ठीक है, कोशिश करती हूँ। रघु जी, जूते मुझे दे दो। मार्केट आप लाओ। लीजिए अपने जूते, देखिए तो ठीक से पॉलिश हो गई है ना? रघु को क्या हुआ, उसकी तबीयत खराब है क्या? वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं जरूर बीमार पड़ जाऊंगी। आपने मुझे समझ क्या रखा है? क्या मैं आपकी पत्नी नहीं हूं? जब भी कोई काम करने लगती हूँ मुझे सीधी बातें करने लगते हैं। आप मुझे कुछ भी समझिए, मैं अपना धर्म निभाऊंगी। जल्दी वापस आ जाओगे ना? क्यों, तुम चाहते हो कि जल्दी वापस आ जाऊं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरा मतलब था अगर जल्दी मैं आता थे तो दोनों क्लब चलते हैं। साहब दूध? रख दो उधर। रघु? जी साहब। रघु ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, सब आ रहे हैं। जी मालकिन। रघु से कुछ खास काम है क्या जो मैं नहीं कर सकती? है। वो क्या? सिगरेट। मैंने कितनी बार कहा है कि आपका सिगरेट पीना मुझे पसंद नहीं, और डॉक्टर ने भी तो मना किया है। डॉक्टर ने तो ये भी कहा है थोड़ी विस्की पिया करो। शुरू कर दूं? आप तो हर बात को मजाक में टाल देते हैं। साहब आपकी सिगरेट। ओ थैंक यू रघु। साहब आपकी ये दवा, शाम को 5 बजे एक गोली जरूर ले लीजिएगा। अच्छा तुम जाओ। कुछ समझे? ये नौकर हमारी शादी के बाद हमारे घर में आया था लेकिन मेरी जरूरतों को ये तुमसे ज्यादा समझता है। और कभी आपने भी मेरी जरूरतों को समझने की कोशिश की है? दराज में साइन किया हुआ चेक पड़ा है,
जितना चाहो भर लेना, लेकिन इतना याद रखना जब जवानी ढल जाती है तो पैसा भी खून में गर्मी पैदा नहीं कर सकता। पुष्पा जी हाँ, ये आपके सरदार से मनु शंकर दयाल की बेटी। शंकर दयाल की बेटी? जी हाँ, आपके लिए एक अच्छा काम है, क्योंकि जब आपने इसे देखा तो एक अच्छी थी आप अच्छा थी। लेकिन वो तो फिर भी मेरे पास हो गई, और जब आपके आप ये भी याद होगा कि शंकर दयाल जी का फोन किसी चोर के पास गया उसी वक्त। आपके बंगले से निकला और मेरे बाप के पेट में छुरा Oh,
चुक। अब तुम छोड़ दादी, दादी छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे, मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। मेरी बात तो सुनो। तुमने मेरा ही मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है। तुम इंसान नहीं, जानवर हो जानवर। तुमने भी तो किसी के साथ विश्वासघात किया है डार्लिंग, किसी के प्यार का मजाक उड़ाया है। मेरे गरीब पति का ताना देता। ताना नहीं दे रहा हूँ डार्लिंग, हकीकत बयान कर रहा हूँ। अपनी खुशी के लिए अगर तुम अपने पति को धोखा देकर मुझसे प्यार कर सकती हो, तो मैं भी अपनी खुशी के लिए तुम्हें। अशोक चिल्ला नहीं डार्लिंग, ये मेरा घर है और इस घर की हर चीज पर मेरा पैसा लगा। नो, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पति महाशय का। और ये राज उसे किसी भी वक्त मालूम हो सकता है, और उसके बाद उसकी नजरों में तुम्हारे लिए क्या इज्जत रहेगी। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? चाहता तो नहीं डार्लिंग, लेकिन तुम मुझे मजबूर कर रहे। मैं मजबूर कर रही हूँ? मेरी जिंदगी में अब रहा ही क्या है, और ना मुझे किसी बात का डर है। लेकिन तुम कान खुलकर सुन लो, तुम्हारी जुबान तो बाद में खुलेगी, लेकिन पहले मैं दुनिया को बताऊंगी कि तुम एक अयाश आवारा और बदचले नहीं हो, बल्कि खुद हो। इसका सबूत? शंकर दयाल की बेटी जो अब पागल नहीं ठीक हो गई है। ठीक हो गई? हाँ, और वो तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो ही एक गवाह है जिसने तुम्हें अपने बाप का खून करते हुए देखा। कहाँ है वो? तुम्हारे लिए इतना ही जानना बाकी है कि वो अपने बाप के खूनी को ढूंढते हुए मेरे पास आई थी। बाय बाय। कहाँ जाओगे? संजो, गाड़ी को ठिकाने लगा दो, मैं इसको ठिकाने लगाता हूं, समझे? यस, आई मीन इट डॉक्टर। आपने मिसेस शर्मा के घर जाकर सिर्फ कानून को ही अपने हाथ में नहीं लिया, बल्कि गहरा जुल्म किया है। इंस्पेक्टर होने के नाते मुझे आपको गिरफ्तार करना चाहिए। व्हाट? मुझे? यस, व्हाई शुड आई? मेरा जुर्म? पहला जुर्म ये कि आपने राजू के एक्सीडेंट को पुलिस से छुपाया। दूसरा जुर्म ये कि आपने इस लड़की को अपने घर रख के इसका इलाज किया, जो कि उस खून की सिर्फ एक ही गवाह है। लेकिन इंस्पेक्टर, उस वक्त मुझे कुछ मालूम नहीं था। और जब मालूम पड़ा तो आपने क्या किया? उसे सीधा पुलिस स्टेशन लाने की बजाय आप खुद ही खूनी का पता लगाने के लिए रमा देवी के घर पहुंच गए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि इन्हीं की वजह से तो मेरा पागलपन ठीक हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अगर ये नहीं होते तो ना मेरा पागलपन ठीक होता और ना ही मेरे बापू के खूनी का पता चलता। पुष्पा जी, आप कानून की बारीकियां नहीं समझती। वहां जाके आपने खूनी को होशियार कर दिया। साहब साहब, कल रात रमा देवी गाड़ी थाना क्लिक के पास पाई गई। ठीक है, तुम राम सिंह को बोलो जीप निकाले, अब आप ले जा सकते हैं। मैं मिसेज रमा से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। रमा से? क्यों, क्या किया है उसने? ये तो मैं उनसे मिलने के बाद ही आपको बता सकता हूँ। लेकिन वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ है वो? मालूम नहीं, कल रात तो घर पर नहीं आई। वो आपकी पत्नी है और आपको मालूम नहीं वो कहाँ गई? ये हमारा घर का मामला है, आप कैसे परवाह करते हैं? मतलब है मिस्टर शर्मा, कल शाम को आपके मनीष शंकर दयाल की लड़की से मिलने आई और बाकी रात गए थाना क्लिनिक के पास उनकी बैठ आई। इससे साफ जाहिर है कि पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने वहां गाड़ी खड़ी कर दी और कुछ फरार हो गई। इंस्पेक्टर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? उस पागल लड़की से मिलने के बाद दिमाग क्यों फरार होने लगी? इसलिए वो लड़की अब पागल नहीं है, याददाश्त वापस आ चुकी है और वो अपने पिता के पागल को पहचान सकती है। तब तो जाइए, पकड़ लीजिए पागल को, रमा पर तुम पीछे बैठा रहे हैं। मिस्टर शर्मा, कागल और रमा देवी के बीच में बहुत गहरे ताल्लुकात हैं। क्या बकवास कर रहे हैं आप? बक नहीं रहा हूं मिस्टर शर्मा, हकीकत बयान कर रहा हूं। शंकर दयाल ने शर्मा देवी और सारनी के बीच लड़ाई का मामला देख लिया, उसने खून कर दिया। इंस्पेक्टर शर्मा जी, अब आपको कानून की मदद करनी पड़ेगी। आपको सारनी का नाम बताना पड़ेगा जिसके साथ रमा के ताल्लुकात थे। यकीन
तुमसे प्यार करता हूं। रमा, तुम एक चीज भूल रही हो कि औरत को जान से भी ज्यादा प्यार होता है। और वो कुछ नहीं। डार्लिंग क्या है बता दो मुझे। कुछ नहीं। मुझे बताना पड़ेगा। मैं नहीं दूंगी। बोलो वो चीज क्या है, क्या छुपा रही है। यही तो चीज चाहिए थी मुझे। और वर्षों और बॉम्बे 58 वर्ष लो नहीं तो सुबह रहते मैं सुबह पहुंचने से पहले मैं तुम्हें वहां बता दूंगी। सुंदर से कह देना चल दल 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 फेंक दे। पुष्पा चल खाना खा ले, राजू देर से। अरे क्यों रो रही है? अब रोने की सेवा रखा ही क्या है माँ? बापू का खून अपनी आंखों के सामने हाथ देखा मगर खून के बारे में कुछ बता नहीं सकती। माँ जिंदा है मगर उनसे नहीं मिल सकती। कितना अन्याय किया है भगवान ने मेरे साथ। ऐसा नहीं कहती बेटी, भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करता, सिर्फ उसका न्याय करने का ढंग निराला है। मुझे पूरा यकीन है तुझे एक दिन तेरे बाप के खून का पता जरूर मिल जाएगा और तुझे तेरी माँ भी मिल जाएगी। और यहाँ यहाँ तुझे किस बात की कमी है? देख राजू है तेरा कितना ख्याल रखता है। मैं हूँ तेरी माँ की तरह और जमुरा जमुरा तुझे अपनी बहन की तरह मानता है। जमुरा जमुरा कहाँ है? जमुरा 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 कहाँ है? वो सारा डर डर के हमारे भाग गए। तुम्हें मिले मेरे पास रहा, मैं उसकी हड्डी बाजी एक कर दूंगा। क्या किया है उसने? तुम पीने वाले होते कौन? वो मेरे होटल में काम करता है। और तुम? मैं उस स्कूलों के पट्टे का बाप हूँ। दारू में पानी मिलाता है, कहते प्योर माल है, पहली बार का माल है। Hey, 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 hey,
अरे ये क्या हो गया बाबू? तुम्हारा होटल वाला क्या पुष्पा को उठा कर ले गया? वो उसका बाप का कातिल है। हाँ वो सोचने की जान खतरे में है। जल्दी कर बेटा, जल्दी कुछ कर, मेरी फिक्र मत कर, जा जल्दी जा जल्दी। संदीप, अशोक, बताओ पुष्पा कहाँ है? वरना मैं क्या छुरा बोल दूँ, मुझे मार डालोगे मुझे? क्या पुष्पा मिल जाएगी तुम्हें? देखो बहन, पुष्पा मेरी सगी बहन नहीं है। हाँ, उसके घर वाले आएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? राजू भैया को क्या जवाब दूंगा? लेकिन अशोक उसे यहाँ क्यों लाया था? क्या लेना था उसे? बॉस को उससे क्या लेना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 8-10 साल पहले जो पुष्पा के बाप का खून हुआ था तो पुष्पा उस खून की आंखों देखी गवाह है। इसका मतलब ये है अशोक ही वो खूनी है। रमा देवी भी तो यही कहती थी। ये रमा देवी कौन है? हा? तुम नहीं जानते, वो भी मेरी जैसी अशोक की शिकार है। उसकी जिंदगी भी उसी ने बर्बाद की थी। लेकिन भैया, तुम इस चाकू से उस भयानक अशोक का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम इसकी फिक्र ना करो, मैं राजू भैया होंगे कई टैक्सी ड्राइवर, हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। जो कुछ भी करना है जल्दी करो, वो जरूर पुष्पा को खंडाले वाले बंगले पर ले गया होगा, जहां उसने हजारों जहरीले सांप पाल रखे। वहां का पूरा पता क्या है? पता मैं बताता हूँ जमुरे। बंगला नंबर 29। समझ गए? मैं भी कितना भोला, पुष्पा को ले जाते वक्त ये भूल गया था कि जमुरे को छोड़े जा रहा हूं। इन दोनों को पुष्पा के पास ले चलो, बड़े बेकरार है उसे मिलने के लिए। हमारी बिल्ली हमी से ना खूबसूरत बला, अगर तू इतनी हसीन न होती तो ले चलो इन दोनों को। चले है, मैं किस तरह से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं? कहां है मेरी बच्ची? बोलती क्यों नहीं है? आप चुप क्यों हैं? वो कहीं चली गई। चली गई? अब मैं क्या करूं? आप घबराइए नहीं, मेरा लड़का इसे जरूर कर लाएगा। आइए आइए मेरे साथ। यूरा, डाला 29। अच्छा, अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। देखना था, ये रस्सी कच्ची तो नहीं है? कच्ची गोलियां हम नहीं खेलते, बड़ी अच्छी आदत है। जमुरे, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? तो मुझे एक सिगरेट पिला दी जाए। लाइट लाइट जमुरे, ये तेरी सिगरेट खत्म होते ही तुझे भी खत्म कर दिया जाएगा। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश? क्या ख्वाहिश? अरे काय की ख्वाहिश, पहले तो नंगा कर दिया हूं। अरे गुरुदेव, लेकिन एक बात है, अगर तुम मेरे पूज्य पिताजी का ये दारू पीना कम करवा दोगे ना, तो मैं आपका ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अबे जब तू जिंदा ही नहीं रहेगा तो जिंदगी भर एहसान मंद कैसे रहेगा? देखो, जब दो बराबर की हस्तियां आपस में बात करती हो तो चमचों को बीच में नहीं टपकना चाहिए। हाँ।
पेट में चली गई, मेरी कलेजी फूक रही है, मेरी हथेलियां जल रही है। झापड़ देता हूँ, अभी सिगरेट बाहर आ जाएगी। अरे ऐसा मत करना, पहले झापड़ में तो कान से धुआं निकल रहा है, दूसरे झापड़ में तो मैं जाने कहां कहां से धुआं निकलेगा। सब अरे ये वो मुझे सिगरेट की मेहरबानी। इतना वक्त कहाँ है? नहीं लेकिन कुछ नहीं, अगर डेढ़ घंटे के अंदर नहीं आओगे तो मेरी लाश के साथ साथ में इन लोगों की भी लाशें दिखेंगी। मैंने फाइले गर्म पानी क्यों नहीं आया? कहां मर गए हो हिना? हिना वो क्या देखते हो? जाओ बुलाओ से। रंजीत ठीक हो? बस
अब मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं। बदतमीज कुत्ते, जबान चलाता है, ले। अब तो तुम्हारा निशाना भी डगमगाने लगा। क्या हुआ हीना? हीना क्या हुआ हीना को? मैंने उसे मार डाला। क्यों? ताकि वो मेरे रास्ते की रुकावट ना बने। रंजीत अब तो तू किसी भी हालत बच नहीं सकता। मेरी मानो, इस खूबसूरत बला को मेरे हवाले कर दो। कमीने कुत्ते, जाओ जाओ गर्म पानी लेके आओ। राजू अभी आता ही होगा, डॉक्टर सन्याल को लेकर जाओ। लेकिन लेकिन वो डरो मत, ये कुत्ता एक कदम भी नहीं हिलेगा। जाओ बैठा बैठा तुम। दो चार मिनट की तो बात है। मैंने किया रंजीत, ये बगावत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तुम्हारा साथ मुझे कब सस्ता पड़ा? इस हाथ दो और इस हाथ लो। आपको बहुत चालाक समझता है। तू चाहता है कि इसमें की सारी गोलियां खत्म हो जाए और यहां का सारा माल लेकर भाग जाए। ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारा चेहरा नीला पड़ रहा है। थोड़ी देर में तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा और फिर ये और यहाँ का सारा माल मेरी मुट्ठी में होगा। ऐसा कभी नहीं होगा। दो गोलियां
कीजिए। अच्छा बाबा होश में आइए। अच्छा साहब को बचाना हमारा काम है और उसको सजा देना कानून का। प्लीज ये बात है जी। चलिए बचा देता हूं। एक बात कहूं ना, अच्छी होने के बाद भी हमारे साथ ही रहोगी ना? ये कैसे हो सकता है? मैं किसे अच्छे से रहूंगी? बोलू मानेगी? बोल पहले तू। हाँ कर। अरे तू कुछ बोलेगी भी? तू मेरे यहाँ पर भाभी की हैसियत से रहना। मकमल में टाट का फेवर लगाना चाह रही हूँ। जो लड़की समाज की नजरों में गिर चुकी है उसे कौन अपनाए? मैं अपनाऊंगा और मुझे उम्मीद है तुम्हें कोई इतराज ना होगा। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके तरफ नहीं। हिना, देवी की मूर्ति को अगर कीचड़ में फेंकते तो इसमें देवी का क्या दोष? तुम बुरे नहीं हो, तुमने कभी बुरा बनना नहीं चाहा, लोगों ने तुम्हारे साथ जाते हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपके लायक नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं ना, आज तुम्हारी वजह से समाज के दो खिलौने कीड़े अशोक और रंजीत पुलिस की हिरासत में है। हिना, तुमने अपना फर्ज पूरा करके औरत के दर्जे को और ऊंचा कर दिया है। अब हमें भी मौका दो, हम भी अपना फर्ज पूरा कर सकें। अपना फर्ज? हाँ हिना, कोई भी शख्स तुम्हारी जैसी लड़की को अपना कर फख्र महसूस कर सकता है। कोई बताए, कोई बताए, क्या
कर हूँ क्या भूसू हूँ क्या कह रहा हूँ बोलो 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 बोल